हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा फिर एक कंटिन्यूएशन में है। टेम्पेस्ट का एक्ट टू स्टार्ट हुआ है। एक्ट टू का सीन वन है, पार्ट वन। इससे पहले मैंने एक्ट वन कंप्लीट कर दिया है, तो अगर आपने एक्ट वन नहीं देखा है तो पहले आप एक्ट वन देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में है। चलिए लेट्स बिगिन। अब इस एक्ट टू में क्या है, सीन वन में यहाँ पे ये है कि ये एलोंजो सेबेस्टियन एंटोनियो गोंजालो एड्रियन फ्रांसिस्को, ये सारे के सारे क्या है, एक आइलैंड पे पहुंच चुके हैं, जिस आइलैंड पे प्रोस्पेरो था, और एरियल ने अपने जादू से इनको एक ग्रुप में इस आइलैंड तक लेके आ गया था। अब ये आइलैंड पे आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये जो सीन है ये पूरा इनकी आपस की बातचीत के ऊपर है। तो अब थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ ये कौन कौन है सारे, बातचीत किन किन के बीच में हो रही है। एलोंजो है हमारा किंग ऑफ नेपल्स। सेबेस्टियन कौन है? सेबेस्टियन एलोंजो का भाई है। सेबेस्टियन एलोंजो का भाई है, और सेबेस्टियन भी एक खराब करेक्टर है, एक नेगेटिव करेक्टर है। ये अपने भाई को, जब हम आगे देखेंगे, ये अपने भाई को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये भी एंटोनियो की तरह ही है। एंटोनियो मेन सबसे नेगेटिव करेक्टर है इस पूरे प्ले का। एंटोनियो कौन है? एंटोनियो प्रोस्पेरो का भाई है, जिसने प्रोस्पेरो को बाहर निकाला था, ये हम देख चुके हैं। गोंजालो के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, गोंजालो एक अच्छा इंसान है, गोंजालो ने प्रोस्पेरो की हेल्प की थी। बाकी एड्रियन और फ्रांसिस्को, ये सब क्या है, ये किंग ऑफ जो नेपल्स है अलोंजो, उसके दरबार में ये क्या है, ये एम्प्लॉय हैं एक तरीके से। जैसे कि राजा के दरबार में बहुत तरह के एम्प्लॉय होते हैं, राजा के दरबार में बहुत तरीके के अलग अलग लोग होते हैं, तो इसी तरीके से ये राजा के साथी हैं, ये जो किंग ऑफ अलोंसो है उसी के साथी हैं एड्रियन और फ्रांसिस्को। अब इस सीन में ये सारे बात कर रहे हैं, ये वीडियो उसी के ऊपर है। गोंजालो कहता है, बिसीच यू सर बी मैरी, यू हैव कॉज सो वी हैव ऑल ऑफ जॉय फॉर अवर एस्केप इज मच बियॉन्ड अवर लॉस, अवर हिंट ऑफ इज कॉमन एवरी डे, सम सेलर्स वाइफ द मास्टर्स ऑफ सम मर्चेंट एंड द मर्चेंट हैव जस्ट अवर थीम ऑफ वो, बट फॉर द मिरेकल आई मीन अवर प्रिजर्वेशन, few millions can speak like us, then wisely could survey our sorrow with our comfort. Gonzalo एक ऐसा इंसान है जो होप दिखाता है, जो पॉजिटिविटी दिखाता है, ये बात करता है, क्योंकि देखो अलोंजो का क्या है, अलोंजो का जो लड़का है फर्डिनेंड, अलोंजो को लगता है कि मेरा जो लड़का फर्डिनेंड है वो मर चुका है, तो अलोंजो अभी गम में है, तो ये गोंजालो उसको थोड़ा सा ना एक होप दिखा रहा है कि सर आपको खुश होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि हम डूब गए थे, हमारी शिप टूट गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहाँ पहुंच गए, हम इस आइलैंड पे जिंदा हैं, हम पहुंच गए हैं, ठीक है। तो हमें, मैं मानता हूं कि हमारा दुख था कि हमारे पे टेम्पेस्ट आया, हमारी शिप टूटी, लेकिन हम मरे नहीं, हम जिंदा हैं, तो इस चीज का हमें खुशी मनानी चाहिए इस चीज की। और आपको जो दुख होता है ये बहुत एक कॉमन सा दुख है, क्योंकि हर सेलर को जो जाता है, क्योंकि अब सेलर क्या होता है, सेलर वो होता है जो समुद्र में जाता है, तो उसकी वाइफ को टेंशन होती है कि सेलर समुद्र में जा रहा है, वापस आएगा नहीं आएगा। ऐसे ही जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाते हैं, जिनके बारे में पता नहीं होता, 100% गारंटी नहीं होती कि ये सच में वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। जैसे कि सोल्जर्स होते हैं, वॉर में जाते हैं, तो उनकी पीछे वाइफ होती है, उनको भी बहुत टेंशन होती है कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो गोंजालो वही बोल रहा है कि आपकी जैसी टेंशन है, ऐसी टेंशन बहुत लोगों को भी होती है, बट आपको खुशी होनी चाहिए कि आप जिंदा हो, आप फ्यू इन मिलियंस हो। मैं मानता हूं हमारे साथ स्ट्रेस हुआ, खराब चीजें हुई, लेकिन हमें इस चीज का खुशी मनानी चाहिए कि हम जिंदा हैं। अलोंजो कहता है, प्लीज पीस, ठीक है। अब अलोंजो क्या है, अलोंजो बार बार देखेगा कि अलोंजो गोंजालो की बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं है, बहुत एग्री नहीं कर रहा, वो कह रहा है ठीक है यार तुम अब शांत रहो, क्योंकि अलोंजो बहुत ज्यादा दुखी है। अलोंजो इस चीज से खुश नहीं है कि वो जिंदा बच गया, उसको इस चीज का ज्यादा दुख है कि उसका लड़का जो फर्डिनेंड है वो मर चुका है। तो वो गोंजालो को कहता है, तुम शांत रहो, मुझे समझ में आ रही है तुम्हारी बात, ठीक है। अब सेबेस्टियन, अब ये हमें बार बार देखने को मिलेगा, जो सेबेस्टियन और एंटोनियो है, ये गोंजालो की टांग खींचेंगे। सेबेस्टियन और एंटोनो बड़े ही नेगेटिव करेक्टर हैं, बड़ी नेगेटिव सी बातें करेंगे, बड़ी ही सरकास्टिक सी बातें करेंगे, तो ये बार बार गोंजालो की टांग खींचेंगे, ये हमें अभी दिखाई देगा। सेबेस्टियन कहता है, ही रिसीव्स कम्फर्ट लाइक कोल्ड पोरेज, वो कह रहा है कि ये ऐसे कम्फर्ट दे रहा है गोंजालो अलोंजो को, जैसे कि मतलब ठंडा दलिया होता है, ठंडा दलिया मतलब कि मतलब कोई इसकी बात की कोई वजूद नहीं है, इसकी इसकी बात में कोई ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है, और कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा अलोंजो का इसकी बात से गोंजालो की। एंटोनियो कह रहा है, द विजिटर विल नॉट गिव हिम
और सो वो कह रहा है कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ ये इसकी बातें हैं। सेबेस्टियन लुक ही इज वाइंडिंग अप द विच ऑफ हिज विट बाय, वो कह रहा है सेबेस्टियन देखो देखो अभी ये दोबारा बोलेगा, गोंजालो गोंजालो के लिए बोल रहा है सेबेस्टियन, बोल रहा है कि देखो अभी ये दोबारा बोलेगा, दोबारा कुछ ना कुछ बोलेगा। गोंजालो फिर बोलता है सर, सेबेस्टियन कह रहा है देखो सर, किसको बोल रहा है, ये अलोंजो को बोल रहा है। सेबेस्टियन फिर कहता है कि देखो मैंने कहा था ना बोलेगा गोंजालो, फिर बोलना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली क्या है देखो सेबेस्टियन, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेबेस्टियन और एंटोनियो ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों क्या हैं, बड़ी नेगेटिव से हैं, ठीक है, टॉन्ट मारते रहेंगे पूरे टाइम, गोंजेलो को चढ़ाते रहेंगे, उसकी टांग खींचते रहेंगे। गोंजेलो क्या कर रहा है, गोंजेलो कर रहा है अलोंजो को पेसीफाई करने का काम, उसको खुश करने का काम, उसके जो इतना दुखी है उसको थोड़ा सा वो क्या कर रहा है, शांत कर रहा है। लेकिन ये सेबेस्टियन और एंटोनियो मजे ले रहे हैं, इसकी टांग खींच रहे हैं गोंजेलो की बार बार। तो सेबेस्टियन यही बोल रहा है देखो अब ये फिर बोलेगा, गोंजेलो फिर बोलना शुरू हो गया। अब गोंजेलो क्या कर रहा है, व्हेन एवरी गिफ इज एंटरटेन दैट ऑफर कम्स टू द एंटरटेनर, वो कह रहा है कि मैं मानता हूं दुखी है लेकिन अब इस ये एलोंजो दुखी, तुम दुखी हो, दुख आ गया लेकिन अब थोड़ा सा हम इसको एंटरटेन भी कर सकते हैं, पूरा टाइम दुखी रहने का कोई फायदा नहीं है। सेबेस्टियन कहता है देखो देखो फिर बोला ये $1, ठीक है। गोंजेलो डॉलर कम्स टू इन इंडिया ड्यू, डॉलर मतलब क्या होता है, यहाँ पे डॉलर का मतलब पेन से है, ठीक है। वो कह रहा है देखो कि पेन बड़ा पेन की फिर पेन है काफी ज्यादा अलोंजो को, तो गोंजेलो बोलता है हाँ ठीक है पेन है लेकिन तुम्हारी बात सही है, तुम सही बोल रहे हो सेबेस्टियन की पेन है, लेकिन अब ये मतलब नहीं है ना कि पेन है तुम रोते ही रहे, अब थोड़ा उसको हम शांत भी कर सकते हैं ना, हम अलोंजो को कुछ ऐसी बातें बता सकते हैं जिससे उसका दुख कम हो, रेदर देन कि हम पेन की बातें करते रहें। यहाँ पर जो डॉलर वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब पेन से है। अब सेबेस्टियन क्या कह रहा है, यू हैव टेकन इज वाइजलियर देन आई मीन यू शुड देयर फॉर माई लॉट, ओके। सेबेस्टियन कहता है कि हाँ हाँ मुझे समझ में आ गई, तुम अपने आप को बड़े ज्ञानी से बन रहे हो, ठीक है, मैंने इतना भी ज्ञान के लिए नहीं बोला था पेन पेन, तुमने ज्यादा ही उसको डीप में ले गए, ठीक है। फिर टांग से खींच रहा है, गोंजेलो से बहस ही कर रहा है, गोंजेलो कह रहा है देयर फॉर माई लॉर्ड, लॉर्ड किसको कह रहा है, अलोंजो को। एंटोनियो फाय वॉट स्पेंथ्रिफ्ट, कह रहा है देखो स्पेंथ्रिफ्ट ऑफ स्टंग का मतलब क्या है, किसको कह रहा है, एंटोनियो गोंजेलो को, कह रहा है कितना बोलता है, बोले ही जा रहा है बोले ही जा रहा है, चुप नहीं होता। स्पेंथ्रिफ्ट मतलब होता है जो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा कोई अगर आप काम करते हो, जैसे कि जनरली हम यूज करते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट को जो पैसे ज्यादा खर्च करता है, यहाँ स्पेंडथ्रिफ्ट वर्ड यूज किसके लिए हो रहा है, गोंजेलो के लिए। एंटोनियो कह रहा है कि गोंजेलो बहुत ज्यादा बोलता है, अलोंजो कह रहा है उसको फिर दोबारा गोंजेलो को, प्लीज भाई मत बोल, मैं समझ गया तेरी बात, वो कह रहा है कि हाँ हाँ ठीक है बट सुन तो लो एक बार। सेबेस्टियन कह रहा है फिर ये बोलने लग गया, फिर बोलता रहेगा। एंटोनियो अच्छा, अब यहाँ पे एंटोनियो बोलता है कि अब हम देखते हैं कि गोंजेलो बोलेगा कि एड्रियन बोलेगा। एंटोनियो बोल रहा है कि एड्रियन बोलेगा या फिर गोंजेलो बोलेगा, क्योंकि एड्रियन और गोंजेलो दोनों कोशिश करते हैं कि जो किंग है वो थोड़ा सा अलोंजो थोड़ा सा उसका दुख कम हो जाए। तो अब ये एंटोनियो बोल रहा है अब देखते हैं, इतनी देर से तो गोंजेलो बोलता है, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन बोलेगा, एड्रियन बोलेगा कि एड्रियन बोलेगा या गोंजेलो बोलेगा नेक्स्ट। सेबेस्टियन कहता है मुझे लगता है कि ये ओल्ड कॉक किसको बोल रहा है, ये कहता है कि गोंजेलो बोलेगा। सेबेस्टियन कहता है कि गोंजेलो बोलेगा। एंटोनियो कहता है कॉकरेल यंग कॉक, ठीक है, यंग कॉक कौन है, एड्रियन, गोंजेलो बड़ा है एड्रियन से एज में। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बोल रहा है। सेबेस्टियन कहता है मुझे लगता है गोंजेलो बोलेगा नेक्स्ट। अब एंटोनियो कहता नहीं गोंजेलो नहीं, अब एड्रियन बोलेगा, किसको बोलेगा, ये अलोंजो को शांत कराने की कोशिश करेगा। तो सेबेस्टियन बोलता है कि नेक्स्ट गोंजेलो बोलेगा, और एंटोनियो कहता है नहीं एड्रियन बोलेगा। ये एक्चुअल में बेकार की बातें हैं, कोई ज्यादा उसका बहुत मीनिंग नहीं है, सिर्फ है आपके सिलेबस में तो बता रहा हूँ। सेबेस्टियन कहता अच्छा ठीक है चलो शर्ट सी लगा लेते हैं। एंटोनियो हंसता है, ठीक है। सेबेस्टियन कहता है चलो एक बैट सी लगा लेते हैं, कौन बोलेगा नेक्स्ट, मालूम होता कौन बोलता है, एड्रियन बोलता है, ठीक है एड्रियन बोलता है। दो दे साइलेंट सीम टू बेटर, बोलना शुरू करता है। हाँ फिर सेबेस्टियन कहता है देखो देखो मैं जीत गया शर्त, उसको बोलता है एंटोनियो को, मैंने कहा था ना एड्रियन बोलेगा, देखो एड्रियन एनहैबिटन, एड्रियन क्या बोल रहा है कि ये जो आइलैंड है भले ही ये एकदम बंजारा है, मतलब कोई यहाँ रह नहीं रहा, बिल्कुल ही कोई आता नहीं है, बिल्कुल दूर है, लोग यहाँ आ नहीं सकते, ये बोल रहा है। लेकिन येट फिर एड्रियन बोलता है ही कुड नॉट मिस इट। एंटोनियो फिर वो अब ये देखो एंटोनियो और सेबेस्टियन अब ये एड्रियन की टांग खींच रहे हैं, पहले गोंजेलो खींच रहे थे अब एड्रियन की खींच रहे हैं। एड्रियन कह रहा है इट मस्ट नीड ऑफ सटल टेंडर एंड डेलीकेट, वो कह रहा है कि देखो भले ही ये आइलैंड खराब सा लग रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है जो गोंजेलो और एड्रियन है, हमें इनके बारे में मालूम पड़ रहा है कि ये ऐसे लोग हैं, ये दोनों अच्छे लोग हैं, और ये खराब चीजों में भी, नेगेटिव सरकमस्टेंसेज में भी, नेगेटिव कंडीशंस में भी ये पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं।
आप समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज है ये लोग। अब तूफान आ चुका है, आइलैंड पे हैं, खाने को कुछ नहीं है, घर से दूर आ गए हैं, तूफान है, अकेले हैं, मर भी सकते हैं, लेकिन इतने नेगेटिव चीजें होने के बावजूद भी गोंजालो और एड्रियन पॉजिटिव चीजों पर फोकस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, एड्रियन कह रहा है मानता हूं मैं कि हम आइलैंड पे आ गए हैं, बैरन है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, शहर से बहुत दूर है, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहा है कि देखो यहाँ पे कितना वेदर कितना अच्छा है। तो आप समझ रहे हो नेगेटिव कंडीशंस में भी शेक्सपियर हमें क्या सिखा रहा है। शेक्सपियर हमें यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है इस एक्ट के थ्रू, इस सीन के थ्रू, कि जब आपके ऊपर लाइफ में कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन अगर आपका आउटलुक पॉजिटिव है तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। ठीक है, तो हमें आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव रखना चाहिए, यहाँ पे हमें ये सीखने को मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सेबेस्टियन फिर टांग खींचेगा, ये सेबेस्टियन और एंटोनियो नेगेटिव से हैं, ये बस अच्छी चीज को भी उल्टा देते हैं हमेशा। एज इफ हैड लंग्स एंड रॉटन लंग्स। वो देखो यहाँ पे एड्रियन ने क्या बोला कि ये इस आइलैंड पे इतनी अच्छी सी हवा चल रही है, इतनी स्वीट हवा चल रही है, तो ये सेबेस्टियन मजाक उड़ा रहा है, ये ऐसे कह रहा है जैसे कि आइलैंड पे हवा चल रही है, जैसे कि आइलैंड के लंग्स हो। ठीक है, लंग्स होंगे मतलब जैसे कि आइलैंड ब्रीथ कर रहा हो, हवा फेंक रहा हो बाहर ठंडी, तो मजाक सा उड़ा रहा है इसका एड्रियन का। एंटोनियो और एवेट परफ्यूम वाया फैन। ठीक है, और फिर एंटोनियो भी मजाक उड़ा है, हाँ, जैसे कि बड़ी यहाँ परफ्यूम सा फैला हुआ है, पूरे तरफ चारों तरफ परफ्यूम फैला हुआ है, ऐसी बातें कर रहे हो तुम यार एड्रियन। गोंजेलो मजाक उड़ा रहे हैं, फिर टांग खींच रहे हैं एड्रियन की। गोंजेलो ही हेयर इज एवरीथिंग एडवांटेज, वो कह रहा है हाँ, गोंजेलो भी, अब देखो गोंजेलो भी एड्रियन जैसा है, अच्छी बात कर रहा है, पॉजिटिव कह रहा है कि ये अच्छा है आइलैंड और यहाँ पे हर चीज एडवांटेजेस है, लाइफ के लिए बहुत अच्छी है, खुला अच्छा एनवायरमेंट है, अच्छी हवा आ रही है, खुशबू आ रही है, फ्रेशनेस है, ठीक है, शहर की तरह पॉल्यूशन नहीं है। गोंजेलो भी पॉजिटिविटी ढूंढ रहा है। एंटोनियो ट्रू सेव मीन्स, एंटोनियो कुछ नहीं, वो कह रहा है हाँ। एंटोनियो फिर क्या कह रहा है, एंटोनियो कह रहा है बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ये गोंजेलो, लाइफ है लाइफ है, यहाँ कोई रहता है नहीं है, कोई लिव कोई जिंदा यहाँ रह नहीं सकता, पता नहीं कौन सी लाइफ है। सेबेस्टियन ऑफ दैट से नोट, वो कह रहा है देखो लाइफ है ही नहीं यहाँ पे, पता नहीं कौन सी लाइफ की बातें कर रहा है गोंजेलो। गोंजेलो कह रहा है देखो ग्रास कितनी अच्छी है, फिर ये पॉजिटिविटी ढूंढ रहा है बार बार कि देखो ग्रास कितनी अच्छी है, ग्रीन है, अच्छी है, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है पूरा एनवायरनमेंट। एंटोनियो कह रहा है कोई, वो कह रहा है फिर, अब फिर टांग खींची, फिर नेगेटिव बात करी कि ग्राउंड क्या है, ग्राउंड ब्राउन है, टॉनी मतलब ब्राउन है, वो कह रहा है हाँ बड़ा ग्रीन ग्रीन कर रहे हो, ग्राउंड तो ब्राउन है तुम्हारा, फिर नेगेटिव बात है एक, देखो हमें बार बार देखने को मिल रहा है। गोंजालो पॉजिटिव कर रहा है, एंटोनियो सेबेस्टियन नेगेटिव कर रहे हैं, एड्रियन भी पॉजिटिव कर रहा है, एंटोनियो सेबेस्टियन फिर टांग खींच रहे हैं नेगेटिव करके। एंटोनियो ही मिसेज नॉट मच, वो कह रहा है बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कुछ भी कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा, हवा में बातें कर रहा है। एंटोनियो सेबेस्टियन कह रहे हैं कि ये गोंजालो हवा में बातें कर रहा है, मतलब बड़ी बड़ी गप्पे आंक रहा है। सेबेस्टियन नो ही डथ बट मिस्टेक ही ट्रूली टोटली गोंजालो, बट द रियलिटी ऑफ इट इज व्हिच इज इंडीड ऑलमोस्ट बियॉन्ड क्रेडिट। सेबेस्टियन एज मेनी वॉस्ट रियलिटीज आर गोंजालो दैट आवर गारमेंट्स बीन एज दे वर ट्रेंच्ड इन द सी होल्ड व्हाट होल्ड विद दैट विद सेंडिंग देयर फ्रेशनेस एंड द ग्लॉसेस बीन रादर देन न्यू डार्ड एंड स्टेन्ड वाटर। अब देखो यहां पे क्या मिल रहा है, चारों चार लाइनों में वो कह रहा है कि ये सेबेस्टियन कह रहा है कि भैया ट्रुथ ट्रुथ की बातें नहीं कर रहे, पता नहीं क्या बातें कर रहा है, ये सारी बातें हवा सी में कर रहा है। अब गोंजेलो क्या कह रहा है, देखो हम जब शिप में डूबे थे ना, और जब हम समुद्र में डूबे थे, अब जब हम बाहर आए हैं तो हमारे जो कपड़े हैं पहले से ज्यादा फ्रेश हो गए हैं, कितनी अच्छी बात है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल हमने नए कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल चमकते हुए कपड़े। ठीक है, गोंजेलो कह रहा है, फिर इसने पॉजिटिविटी ढूंढी यहाँ पे। एंटोनियो फिर नेगेटिव बात करेगा, ये तो ऐसी बातें कर रहा है बड़ी बड़ी कि कपड़े नए हो गए, फ्रेश हो गए, जैसे कि इसके जो पॉकेट है जेब में वो बोलती है। सेबेस्टियन और ए और वेरी फॉस्टी पॉकेट अप इज रिपोर्ट, फिर वही मतलब झूठ बोल रहा है ये, हवा में बातें कर रहा है गोंजेलो। गोंजेलो मी थिंक्स अवर गारमेंट आर नाउ एज फ्रेश एज व्हेन वी पुट देम ऑन फर्स्ट इन द अफ्रीका एट द मैरिज ऑफ द किंग सेशर्स। वो अब गोंजेलो कह रहा है कि मेरे को लग रहा है कि हमारे जो कपड़े हैं वो उतने ही फ्रेश हैं जितने की जो हमने शादी में पहने थे। किसकी शादी में पहने थे, ये लोग कहाँ से लौट के आ रहे थे, ये लोग लौट के आ रहे थे अफ्रीका से, ये लोग अफ्रीका से आ रहे थे अपने यूरोप में, ये सारे कहाँ रहते हैं, यूरोप में, मैंने पहले बताया था ना ये सब यूरोप में रहते हैं, अब ये दूसरे कॉन्टिनेंट में गए थे अफ्रीका में। अफ्रीका में क्यों गए थे, क्योंकि जो अलोंजो है किंग ऑफ नेपल्स उसकी लड़की है क्लैरिबेल, क्लैरिबेल की शादी हुई थी अफ्रीका के एक अफ्रीका में एक जगह है ट्यूनिस। ठीक है, तो अलोंजो ने जो कि किंग ऑफ नेपल्स है उसने अपनी लड़की क्लैरिबेल की शादी किससे की थी, क्लैरिबेल की शादी की थी
किंग ऑफ ट्यूनिस से। ट्यूनिस कहाँ है? अफ्रीका में एक जगह है। एक अफ्रीकन से शादी की थी अलोंजो ने अपनी लड़की क्लैरीबल की, तो ये उसकी शादी में गए थे। शादी से जब वापस आ रहे थे तब टेम्पेस्ट आ गया, समझ गए। तो गोंजेलो कह रहा कि जब हमने शादी में जब कपड़े पहने थे ना, उस टाइम बिल्कुल बिल्कुल नए नए पहने थे, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं हमारे कपड़े अभी नए। सेबेस्टियन कह रहा है, अब ये फिर इसमें फिर नेगेटिविटी ढूंढेगा सेबेस्टियन, हाँ कितनी अच्छी शादी थी, ठीक है, और कितना अच्छा हमने रिटर्न किया है, टॉन्ट मारी क्योंकि डूब गए थे ना पानी में। एड्रियन, ट्यूनिस वॉज नेवर गेट बिफोर सच विद सच अ पैराग्राफ। अब कह रहा है वो एड्रियन कह रहा है, ये ट्यूनिस है ना जो ये कंट्री है अफ्रीका में, यहाँ पे कभी भी इतनी अच्छी क्वीन नहीं गई होगी, क्योंकि एक्चुअल में देखो वो कह रहा है कि अफ्रीका में अगर यूरोप की लड़की जा रही है तो बहुत बड़ी बात है अफ्रीका के लिए। वो कह रहा है क्योंकि क्लैरीबेल बहुत सुंदर थी, ये हमें यहाँ पे बार बार ये मतलब थोड़ा जैसे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यूरोप से अफ्रीका में गई है, यूरोपियंस अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत मानते हैं, इन कंपेरिजन अफ्रीकन को उतना खूबसूरत नहीं मानते। तो एड्रियन वही बोल रहा है कि अफ्रीका में आज तक इतनी सुंदर रानी नहीं, कोई लड़की इतनी सुंदर नहीं, इतनी सुंदर क्वीन नहीं रही होगी क्योंकि यूरोप से गई है ना। गोंजालो, नॉट सिंस विडो डिडोस टाइम। गोंजालो कह रहा है हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक और थी लेडी डीडो, ठीक है। अब यहाँ डीडो क्यों बोल रहे हैं, अब डीडो भी कोई यहाँ पे ऐसे पहले कभी क्वीन रही थी अफ्रीका में डीडो, जो कि बहुत सुंदर होगी। तो गोंजालो कह रहा है बात तुम्हारी ठीक है कि क्लैरीबेल बहुत सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन डीडो के बाद से, क्योंकि डीडो वो कह रहा है डीडो बहुत सुंदर, डीडो भी बहुत सुंदर थी। डीडो भी कौन है? डीडो कुछ नहीं है, एक माइथोलॉजिकल फिगर है, एक माइथोलॉजिकल क्वीन है अफ्रीका की, जो कि बहुत सुंदर मानी जाती थी। तो एंटोनियो कह रहा है विडो, हाउ कैम दैट विडो वी विडो डीडो। वो कह रहा है कि तुमने उसको विडो क्यों बोल रहे हो, डीडो को, एक्चुअल में वो विडो नहीं थी, जो डीडो है ना, कहानी कुछ इस तरीके से कि डीडो, डीडो की हल्का सा बता देता हूँ। डीडो को प्यार था यूरोप के एक राजा से, अब वो राजा इसको छोड़ देता है डीडो को, तो अब राजा ने छोड़ा है इसको, तो ऐसा नहीं कि राजा मर गया था और शादी भी नहीं हुई थी, तो वो विडो नहीं थी, तो इसलिए वो बोल रहा है गोंजालो को कि तुम उसको विडो क्यों बोल रहे हो, विडो थोड़ी ना थी वो। अब सेबेस्टियन बोल रहा है व्हाट इफ ही सेड विडोवर एनियास टू गुड लॉर्ड, हाउ कैन यू टेक इट, ठीक है। अब एनियास कौन है? एनियास वही है जिससे डीडो को प्यार था, एनियास। ये सब एक मिथोलॉजिकल कहानी है डीडो और की और एनियास की, तो ऐसी है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट बात नहीं कर रहे, फालतू में टांगे खींच रहे हैं। अब गोंजालो कह रहा है दिस ट्यूनिस सर वॉज कैथरेज। गोंजालो कह रहा है कि जिसको तुम करेक्ट कर रहा है, वो जगह ट्यूनिस नहीं थी, वो जगह अफ्रीका में कैथरेज थी जहाँ की डीडो थी, अब फिर वही कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ट्यूनिस भी एक अफ्रीका में जगह है, अफ्रीका में एक कंट्री ट्यूनिस भी है, अफ्रीका में एक कंट्री कैथरेज भी है। तो वो कह रहा है जो डीडो थी ना वो ट्यूनिस की नहीं थी, वो कैथरेज कार्थेज करके जगह थी वहां की थी, तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बेकार की बातें हैं। एड्रियन कह रहा है फिर अच्छा कार्थेज की थी? वो कह रहा है हाँ अश्योर करता हूँ कार्थेज की थी, तो छोटी मोटी बात है कि कहाँ की थी कहाँ की नहीं थी, वो इसी पे लड़े जा रहे हैं। हिज वर्ड इज मोर देन द मिरेकुलस हार्प ही हैड रेज द वॉल एंड द हाउसेस टू। सेबेस्टियन कह रहा है कि गोंजेलो ने तो जगह ही चेंज कर दी उसकी, वो थी कार्थरेज की, ट्यूनिस की बता रहा है। वो कह रहा है ऐसी इतनी बड़ी बड़ी गप्पे मारता है, बैठे बैठे इसने दीवारें भी खड़ी कर दी, घर भी बना दिए, सब कुछ बना दिया, मतलब क्या है? सेबेस्टियन टांग खींच रहा है गोंजेलो की कि हवा में बातें करता है गोंजेलो। एंटोनियो, वॉट इम्पॉसिबल मैटर विल ही इजी नेक्स्ट। अब वो कह रहा है पता नहीं और कौन सी नई बातें इम्पॉसिबल सी बात करेगा अगली, हवा में बातें तो करता ही है। सेबेस्टियन, आई थिंक ही विल कैरी हिज आइलैंड होम इन द पॉकेट एंड गिव इट। वो कह रहा है सेबेस्टियन, अब देखो सेबेस्टियन फिर मजाक सा कर रहा है गोंजेलो का, वो कहता है ना हवा में बातें कर रहा है, तो सेबेस्टियन क्या कह रहा है, अब ये इस पूरे आइलैंड को अपनी जेब में रख के ले जाएगा घर पे और अपने लड़के को दे देगा, कहेगा ये ले एप्पल खा ले, मतलब मजाक सा उड़ा दिया उसका। एंटोनियो, एंड सोइंग द कैर्नल्स ऑफ इट इन द सी ब्रिंग इट फॉर। वो कह रहा है हाँ और अपनी जेब में ले, एक तो अपनी जेब में रख के ले जाएगा आइलैंड को, अपने लड़के को देगा एप्पल खाने को, और उसमें से जो बीज निकलेंगे उससे और आइलैंड उगा देगा, मतलब ये है कहने का, मजाक उड़ा रहे हैं सेबेस्टियन और एंटोनियो का कि गोंजेलो हवा में बातें करता है, बैठे बैठे कुछ भी कर देता है। गोंजेलो फिर कहता है छोड़ता है, मतलब दिमाग नहीं मारता इनकी बातों में, इग्नोर मारता है। एंटोनियो, इन गुड टाइम्स गोंजेलो सर वी आर टॉकिंग अबाउट अवर गारमेंट सीम नाउ एज फ्रेश एज न्यू एट ट्यूनिस एट द मैरिज ऑफ एडोडा हु इज गॉन। एंटोनियो, गोंजेलो का फोकस एलोंजो पे है बार बार, ठीक है। वो कहता है कि हम अपने कपड़ों के बारे में बात कर रहे थे जो कि बहुत ही फ्रेश थे, इतने मतलब जितने फ्रेश मैरिज के टाइम पे तो उतने ही फ्रेश अभी हैं आपकी लड़की की, जो मैरिज के टाइम पे इतने फ्रेश थे। एंटोनियो कहता है हम यहाँ पे आ गए। सेबेस्टियन कह रहा है विडो डीडो, फिर वो उसी बात को पकड़ के बैठ गया। एंटोनियो कह रहा है विडो डीडो डीडो, ठीक है, इज नॉट सर माई डबलेट एज फ्रेश एज। वो कह रहा है फिर वही बार बार वो गंजला कह रहा है कि क्या मेरे कपड़े उतने फ्रेश नहीं है जितने पहले थे कपड़े।
एंटोनियो डॉट सेट वाज वेल फिश फॉर व्हेन आई वोर इट एज अ वो कह रहा है हाँ वही मैंने जो आपकी अलोंजो से बोल रहा है गोंजालो कि आपकी लड़की की शादी में जो मैंने पहने थे कपड़े अलोंजो अब अलोंजो बोलेगा यू क्रैम दीज वर्ड इनटू माय नी एज अगेंस्ट द स्टमक ऑफ माय सेंस वुड आई हैड एवर मैरिड माय डॉटर देयर फॉर कमिंग देंस माय सन इज लॉट्स ऑन अ रेट शी इज टू सो फार फ्रॉम इटली रिमूव आई शैल नेवर सी उदा इन द हाइट ऑफ नेपल्स एंड माय व्हाट स्ट्रेंज फिश हैड मेड दिस फील वो कह रहा है कि तुम अपनी जो बातें कर रहे हो ना उससे मुझे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा गोंजालो क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर बहुत पेन हो रहा है अच्छा होता कि अगर मैंने अपनी लड़की की शादी अफ्रीका में नहीं की होती क्योंकि लड़की की शादी करके जब मैं वापस लौट रहा था तो समुद्र में तूफान आया और मेरा लड़का हमेशा के लिए मर गया तो अलोंजो कह रहा है मुझे तो बड़ा दुख है अच्छा होता मैंने शादी ना की होती उसकी अफ्रीका में। अब फ्रांसिस को बोल रहा है ये एक होप की बात कर रहा है देखो अच्छे से होप की सर ही मे लिव आई सॉ हिम बीट द सर्जन अंडर हिम राइड अपॉन देयर बैक्स ही ट्रॉट द वाटर हुज एनमिटी फ्लंग साइड एंड बेस्टेड द सर्जन मोस्ट ऑफ द हेड बेटर ही बोल्ड अहेड बट ऑफ द कंटेस्टेंट वेव्स ही कैप्टन और हिमसेल्फ विद हिज गॉटन इलास्टिक स्ट्रोक्स टू द स्टोर दैट्स ऑन हिज वेव्स शॉट्स एंड ब्रोस एज स्टॉपिंग टू लीव आई डू नॉट हियर हिम वो कह रहा है कि देखो सर मैंने आपके लड़के को ना देखा है मुझे लगता है आपका लड़का बच गया है मैंने देखा था कि वो जो वेव्स हैं समुद्र की जो लहरें हैं ना उनसे लड़ता हुआ जा रहा था स्विमिंग करता हुआ जा रहा था पूरा का पूरा जो समुद्र है कोशिश कर रहा था उसको डुबोने की लेकिन वो बहुत अच्छे से स्विमिंग कर रहा था और बड़ी बड़ी लहरों के ऊपर से तैरता हुआ जा रहा था तो मुझे लगता है कि आपका जो लड़का है वो आईलैंड पे आ गया वो जिंदा है तो आप इतना परेशान ना हो। ये एक इसको होप दे रहा है अलोंजो को पॉजिटिव होप फ्रांसिस को कह रहा है मैंने देखा है मुझे लगता है लड़का आपका बच गया मरा नहीं है। अलोंजो कह रहा है नहीं 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 मुझे लगता है वो मर गया फिर नेगेटिव सी बातें कर रहा है वो मतलब अलोंजो बड़ा दुखी है उसको लग रहा है कि नहीं मेरा लड़का मर गया ये जानबूझ के मुझे सिर्फ पॉजिटिव होप दे रहे हैं। सेबेस्टियन सर यू मे थिंक योरसेल्फ फॉर द ग्रेट लॉस दैट वुड नॉट ब्लेस अवर यूरोप विदाउट डॉटर बट रादर लॉस टू अफ्रीका वेयर शी एटलीस्ट बैनिश हर वो अब सेबेस्टियन देखो फिर एक नेगेटिव सी बात करेगा बड़ी नेगेटिव सी बात कर रहा है कह रहा है कि सर मुझे तो आपको तो अपने आप को थैंक करना चाहिए कि आपने अपनी लड़की की शादी वहां पर कर दी यूरोप में ठीक है हमने आपको समझा वो इसलिए वो कह रहा है अभी आगे बोलेगा अभी यहाँ पे ये बोल रहा है कि अच्छा हुआ आपने लड़की की अपनी शादी अफ्रीका में कर दी क्योंकि अब अगर आप उसकी शादी यूरोप में करते हैं ना तो वो आप जो आपका लड़का मर गया है उसका दुख को रोने के लिए आपके साथ होती है वहां पे अब आपने इतनी दूर शादी कर दी अफ्रीका की कि आपका लड़का मर गया तो आपकी लड़की आपको दुख के लिए रोने के लिए भी नहीं आ सकती सिंपथी दिखाने के लिए भी नहीं आ सकती क्योंकि अफ्रीका में और यूरोप में ना उस टाइम पे शेक्सपियर के टाइम पे कोई ऐसे जहाजबाज नहीं चल रहे थे कि हवाई जहाज चल रहे थे एरोप्लेन थे शिप्स जाते थे तो अफ्रीका और इधर यूरोप है तो बीच में बहुत बड़े 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 समुद्र हैं तो वो कह रहा है कि अच्छा वो लड़की की शादी अपने अफ्रीका में कर दी यूरोप में होती तो आपके पास आ जाती रोने के लिए खूब रोती कि मेरा भाई मर गया और आपको कंप्लेन भी करती कि आपकी वजह से मर गया आप समुद्र में क्यों ले गए वो कह रहा है आपने शादी इतनी दूर कर दी अफ्रीका में वो यहाँ से आ ही नहीं सकती तो एक तरीके से नेगेटिव बात करी है मतलब जले पे नमक छिड़ा अलोंजो के अलोंजो कह रहा है प्लीज यार शांत हो जाओ सेबेस्टियन कह रहा है यू वर नील टू द एम्प्रोवाइज अदरवाइज बाय ऑल ऑफ आवर एक्सपीरियंस आर वेटेड बाय द लोजेंस ऑफ एक्जिस्टेंस एंड डू द बीम शुड वी हैव लॉस्ट योर सन यू आर फियर फॉर मिलान एंड नेपल्स हैव मोर विडोज इन द बिजनेस मेकिंग दैट वी ब्रिंग टू गॉड फॉल्स इज आउट। अब फिर सेबेस्टियन उसके ऊपर क्या कर रहा है अलोंजो के ऊपर अपना भाई है उसको फिर टांग खींच रहा है कि हमने आपको समझाया था कि मत करो शादी उसकी अफ्रीका में तुमने उसकी शादी अफ्रीका में कर दी आपकी लड़की भी नहीं चाहती थी शादी अफ्रीका में करनी लेकिन क्या करे आपने मजबूर कर दिया आपकी बात तो उसको माननी थी ना वो आदरणीय लड़की थी आपकी आपकी ओबीडियंट लड़की थी इसलिए आपकी बात मान ली बट इंटरनली वो भी नहीं चाहती थी हमने भी मना करा था शादी मत करो अफ्रीका में लेकिन आप माने नहीं अब आपकी वजह से क्या हुआ कितने लोग मर गए कितने लोग और मर गए होंगे पता ही नहीं समुद्र में तूफान आया पता नहीं कितने जिंदा हैं कितने मर गए क्या हुआ और वो कह रहा है आपकी वजह से इतने लोग मर गए हैं कि जब हम वापस जाएंगे ना नेपल्स में तो जितने लोग मरे हैं उनको मतलब मरने वाले लोग ज्यादा हैं और जो पीछे रोएंगे नेपल्स में उनके जो उनकी विधवा लेडीज हैं जो लेडीज रोएंगी उनको कम उनको सिंपथी दिखाने वाले लोग कम है मरने वाले बहुत ज्यादा हो गए हैं तुम आपकी वजह से बहुत लोग मर गए आपके सिर्फ इस बेवकूफी के चक्कर में कि लड़की की शादी अफ्रीका में करनी है तो एक तरीके से सेबेस्टियन बार बार अलोंजो को ब्लेम कर रहा है ये जो जितना भी सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ अलोंजो सो इज द डियर वो कह रहा है सबको लॉस हो रहा है मैं समझ रहा हूँ लोग मर गए हैं लेकिन सबसे बड़ा लॉस तो मेरा है मेरा लड़का मर गया यार इससे बड़ा और क्या लॉस होगा गोंजालो माय लॉर्ड सेबेस्टियन टू यू स्पीक बोथ कम्स एंड टाइम टू स्पीक वो कह रहा है सेबेस्टियन से कह रहा है अब गोंजालो की भाई है सेबेस्टियन तुम्हारी बात ठीक है तुम कह रहे हो ठीक है बहुत लोग मर गए हैं लॉस हुआ है लेकिन कोई टाइम होता है ना बात करने का अभी आदमी ऑलरेडी दुखी है सिर पे जाके डंडा मार रहे हो उसके
कभी एक मान लो ऑलरेडी एक आदमी ऑलरेडी परेशान है, आप उसको और नेगेटिव 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 परेशान कर रहे हो, ये मत करो। हर बात का टाइम होता है, अब गलत टाइम पे गलत बात कर रहे हो। सेबेस्टियन को बोलता है गोंजालो, सेबेस्टियन हाँ ठीक है वेरी वेल करता है, एंटोनियो हाँ मोस्ट चिरंगी मतलब हाँ करके टाल देते हैं। वो कह रहा है कि अब चलो सर क्लाउडी वेदर के ऊपर बोलता है, वेदर खराब है, वेदर क्लाउडी हो रहा है, वेरी फूल वेदर हो रहा है, ठीक है। गोंजालो कहता है हेड ए प्लांटेशन ऑफ दिस आइलैंड मेलो ही ब्रोट विद नेटल सीड और रॉक्स और मेलोस। तो फिर यहाँ पे वही वेदर वेदर की बातें कर रहे हैं, मतलब बेफिजूल की बातें हैं आइलैंड के, उस पर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। गोंजालो एंड व्हाट द किंग ऑन इट व्हाट वुड आई डू। फिर मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि गोंजालो कह रहा है कि हाँ बहुत अच्छा है, ये है वो है, अगर तुम्हें यहाँ का राजा बना दिया जाए, सेबेस्टियन वगैरह बोल रहे हैं ठीक है, कि तो क्या होगा। एक्चुअल में क्या है, गोंजालो बोल रहा है बार बार, गोंजालो ना पॉजिटिव बातें कर रहा है आइलैंड की, बड़ी तारीफ कर रहा है आइलैंड बहुत अच्छा है, ये है वो है। अब फिर ये भी बोल रहा है अगर मैं इस आइलैंड का राजा बन जाऊँ ना, तो पता तो मैं क्या करूंगा इस आइलैंड का, अगर मैं राजा बन जाऊँ, इतना अच्छा आइलैंड है तो मैं मालूम है मैं क्या करूंगा। सेबेस्टियन कह रहा है हाँ हाँ बता क्या करेगा, ठीक है। अब वो फिर अपनी अपनी गोंजालो अपनी बातें सुनाना स्टार्ट करता है कि अगर मैं इस आइलैंड का राजा बन गया मैं क्या करूंगा। आई द कॉमनवेल्थ और बाय कॉन्ट्रारीज एग्जीक्यूट ऑल थिंग्स फॉर नो काइंड ऑफ ट्रैफिक हुम आई डिड नो मैजिस्ट्रेट लेटर शुड बी नोन रिचेस्ट पॉवर्टी एंड यूज ऑफ सर्विस नॉन कॉन्ट्रैक्ट बाउंड हेड ऑन राइट नन ऑफ द यूज ऑफ कॉटल मैटर नो ऑक्यूपेशनल वुमेन टू बैलेंस एंड ब्यूरो। वो कह रहा है अगर मैं राजा बन गया ना तो मैं तो सारी गवर्नमेंट हटा दूंगा, कोई गवर्नमेंट ही नहीं होगी, कोई ट्रैफिक नहीं होगा, कोई जज नहीं होगा, कोई मैजिस्ट्रेट नहीं होगा, कोई कोर्ट नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, सब बराबर होंगे, ठीक है। कोई लड़ाई के पीछे झगड़े नहीं होंगे, जो लोग लड़ते रहते हैं लड़ाई के पीछे लड़ रहे हैं, पैसों के पीछे रह रहे हैं, तो पैसों का लड़ाई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, अमीर गरीब कोई होगा ही नहीं होगा, ठीक है। मैं मेटल का यूज़ नहीं करूंगा, मैं वाइन का यूज़ नहीं करूंगा, मैं तेल का यूज़ नहीं करूंगा, क्योंकि जनरली लोग पैसों के लिए इन चीज़ों की वजह से लड़ते हैं, ठीक है। कोई शराब के पीछे लड़ रहा है, कोई ऑयल के पीछे लड़ रहा है, कोई मेटल के पीछे लड़ रहा है, इसके बड़े बड़े बिजनेस करते हैं फिर लड़ते रहते हैं आपस में पैसे को लेकर, ठीक है। कोई आदमी काम नहीं करेगा, सारे आदमी खाली होंगे, विमेन भी खाली होंगी, कोई काम नहीं करेगा, लेकिन सब दिल के अच्छे होंगे, इनोसेंट एंड प्योर, दिल के सब अच्छे होंगे। सेबेस्टियन और वो कह रहा है कि उसको बोलता है गोंजालो कि तुम चाहते हो ऐसी जगह तुम राजा बनोगे हैं, और एंटोनियो कह रहा है शुरू में बोल रहा है कि कोई राजा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और खुद ही वहां का राजा बनना चाहता है, अपनी बात कोई टाल रहा है, क्योंकि सेबेस्टियन गोंजालो ने बोला था कि सब इंसान हर इंसान बराबर होगा, कोई ऊपर नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा। एक तरफ तो गोंजालो ये बोल रहा है कि कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। तो अब सेबेस्टियन और एंटोनियो टांग खींचते हैं गोंजालो की, तुम कह रहे हो कि सब बराबर होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, और तुम कह रहे हो कि मैं इसका राजा बनूंगा इस आइलैंड का, तो अपनी बात कोई काट रहे हो। गोंजालो कहता है ऑल थिंग्स इन कॉमन शुड प्रोड्यूस विदाउट स्वेट और इंडिकेटर। ये फिर अपनी अपनी गोंजालो अपनी दुनिया में वो बता रहा है कि मैं राजा बन गया तो और क्या क्या करूंगा मैं इस जगह पे, मतलब सिर्फ सपनों की बातें चल रही है, कहानी में बातें चल रही है सारी। गोंजालो कह रहा है मैं अगर इस आइलैंड का राजा बन जाऊंगा तो और मैं और क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी किसी भी तरह का ये नहीं चाहूंगा कि लोग बहुत ज्यादा, मतलब मैं चाहूंगा कि सब लोगों को चीजें वही मिलेंगी जो नेचर में प्रोड्यूस होंगी, किसी को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जबरदस्ती कोई मेहनत कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है बेचारा, कोई बेचारा ऑटो चला रहा है, कोई बहुत ज्यादा धक्के खा रहा है, तो किसी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम उतना बस करेंगे प्रोड्यूस जितना हमें हमारी जरूरत है, बहुत ज्यादा हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, फालतू में काम करेंगे, कोई गन नहीं चलाएगा, किसी पे छुरी नहीं होगी, ठीक है, कोई किसी को मारेगा नहीं, इंजन की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है, हम सिर्फ उतना रखेंगे, नेचर हमें अपने आप ही दे देगा, जितना नेचर हमें देगा हम उतना ही लेंगे, हम जबरदस्ती चीजों के पीछे लड़ेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, हम सिर्फ सब प्यार से रहेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसी जगह को रूल करूंगा तो ऐसी जगह का राजा बनूंगा तो मेरे सारे लोग इनोसेंट रहेंगे, उनको सब इक्वल रहेंगे, कोई किसी को मारेगा कूटेगा नहीं, बहुत अच्छा कंट्री होगा और सब बहुत प्यार से रहेंगे, नेचर जितना देगा हम उतना ही खाएंगे, हम बहुत ज़्यादा पागलों जैसे भागा दौड़ी नहीं करेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे। तो एक तरीके से गोंजालो एक यूटोपिया की बात कर रहा है, यूटोपियन वर्ल्ड की बात कर रहा है, ये वर्ड सीख लो। यूटोपिया क्या होता है, यूटोपियन वर्ल्ड क्या होता है, एक्चुअल में ये वर्ड बना है यूटोपियन यूटोपिया से। यूटोपिया क्या होता है, यूटोपिया होता है एक तरीके का ड्रीम वर्ल्ड, एक आइडल वर्ल्ड, ठीक है, एक आइडियल वर्ल्ड, मतलब बिल्कुल परफेक्ट वर्ल्ड, इसको बोलते हैं यूटोपिया, यूटोपियन वर्ल्ड, ये वर्ड यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्ड है, इससे आपको काफी अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं, अच्छे वर्ड्स का यूज करोगे एग्जाम में तो अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यूटोपिया में ऐसे वर्ड्स कभी याद नहीं होते, आप सोचोगे डिक्शनरी खोलोगे याद कर लोगे, नहीं, वर्ड्स याद होते हैं जब आपको पीछे का उसका इमेजिनेशन मालूम पड़ेगी कहाँ यूज हो रहे हैं। जैसे गोंजालो अभी कैसी बातें कर रहा है, गोंजालो एक यूटोपिया की बातें कर रहा है, एक यूटोपियन वर्ल्ड की बातें कर रहा है, एक ड्रीम वर्ल्ड की बातें कर रहा है, एक आइडल वर्ल्ड की बातें कर रहा है। रियल में ऐसा वर्ल्ड नहीं है, आपको पता है कि सब बराबर नहीं है, होना ऐसा ही चाहिए कि कोई रिच ना हो, कोई प्योर ना हो,
कोई किसी को मारे ना, वॉर ना हो, लोग लड़े ना, सबके पास खाने को रोटी हो, सब इक्वल हो, सब प्यार से रहें, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से यूटोपियन वर्ल्ड बातें कर रहा है, ड्रीम वर्ल्ड की बातें कर रहा है, तो ये हमें देखते हैं। तो ये वर्ड यूज कर सकते हो, यूटोपिया। सेबेस्टियन, हाँ शादी भी नहीं होगी, वो कह रहा है, क्योंकि इसने बोला था गंजालो शादी नहीं होगी, वो कह रहा है सारे लोग खाली रहेंगे। अब एंटोनियो फिर का वो मार रहा है, वो कह रहा है अब सारे लोग खाली रहेंगे, शादी भी नहीं करेंगे तो क्या होगा, वुमेन वुमेन और मैन क्या करेंगे, नेव्स मतलब होता है मेल प्रोस्टिट्यूट, होर्स भी क्या है, वुमेन प्रोस्टिट्यूट, तो कह रहा है कि ये मेन वुमेन तो सब प्रोस्टिट्यूशन में चले जाएंगे, खाली बैठ रहेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं तो। ठीक है, फिर नेगेटिव बातें इनकी देखने को मिल रही है। सेबेस्टियन एंटोनियो गोंजालो कह रहा है आई वुड विद सच परफेक्शन गवर्न सर, वो कह रहा है मैं इतने परफेक्शन से इस आइलैंड को राज करूंगा, ऐसे अपने किंगडम को, कि जो गोल्डन एज है, ठीक है, जो हर एक जगह का अपना गोल्डन पास्ट होता है, जो जो बेस्ट से बेस्ट पास्ट भी रहा है ना यूरोप का, उससे भी आगे लेके चला जाऊंगा मैं, बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया बना दूंगा। सेबेस्टियन गॉड सेव हिज मैजेस्टी लॉन्ग लिव गोंजालो, तो सेबेस्टियन एंटोनियो फिर मजाक से उड़ा रहे हैं कि भैया भगवान ही बचाए ऐसे इसकी इसकी कंट्री को, और इसकी जो बातें कर रहा है कि राजा बन जाऊंगा ये करूंगा, ऐसा ऐसी कंट्री को भगवान ही बचाए। तो गोंजालो कहता है हाँ, मतलब मजाक मार कर रहा है, लॉन्ग लिव गोंजालो, ठीक है गोंजालो एंड यू मार, वो कह रहा है आप अब मेरी बात सुन लो, अलोंजो से कह रहा है गोंजालो, अलोंजो प्रे यू मोर जस्ट, वो कह रहा है प्लीज यार मेरे से बात मत करो, मैं वैसे ही बहुत दुखी हूँ। गोंजालो कह रहा है अच्छा सुन तो लो, आई डू वेल बिलीव योर हाईनेस एंड डेड टू मिनिस्टर ओकेजन टू दिस जेंटलमैन हु आर ऑफ सच सेंसिबल नेम बिल्डिंग दैट डे ऑलवेज इशू, वो कह रहा है मैं इनकी बातों में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, इनके पास कुछ नहीं है तो सिर्फ हंसते रहते हैं, ये तो हर छोटी छोटी बात पे हंसते हैं, और मैं आज चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा खुश हो, मैं इसीलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ा हंसो, आपका दुख थोड़ा कम हो, पर इनके इनसे मुझे इतनी टेंशन नहीं है, ये तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैं ऐसी बातें सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, मुझे मालूम है आपको लग रहा होगा कि मैं बेकार की बातें कर रहा हूँ, मैं किंग बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, ऐसा वर्ल्ड होगा, वैसा वर्ल्ड होगा, लेकिन ये बातें जो बेवकूफी की लग रही हैं, ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगे, ये जो बचकानी बातें कर रहा हूँ, बेवकूफी वाली बातें कर रहा हूँ, ताकि आपका दिल थोड़ा हल्का हो जाए, आपको थोड़ा हंसी सी आए। एंटोनियो कह रहा है हाँ हाँ हम तो बहुत हंसे तुम्हारी बात पे, फिर मजाक खींच रहा है। ओ इन दिस काइंड ऑफ मेरी फीलिंग आई एम नथिंग टू यू, यू मे कंटिन्यू लव, वो कह रहा है ठीक है तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ, तुम मेरी बात पसना चाहते हो, हंसते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा कोई पर्पस ये नहीं है कि तुम लोगों को प्लीज करूं, मेरा पर्पस था अपने किंग को प्लीज करना। वॉट अ ब्लो वॉज देयर गिवन सेबेस्टियन, हाँ वो कह रहा है हाँ क्या कितनी बड़ी बड़ी बातें करी, कितना बड़ा हमें ब्लो दिया, ठीक है मतलब फिर मजाक टांग से खींच रहे हैं। यू आर जेंटलमैन ऑफ ब्रेव मेटल, यू कुड लिफ्ट अ मून बट आउट ऑफ स्फीयर इफ यू कुड नथिंग इन 5 ईयर, वो कह रहा है भैया तुम तो बहुत ज्यादा बहादुर लोग हो एंटोनियो सेबेस्टियन, तुम चाहो तो जो मून होता है ना, मून अपने उसमें घूमता है ऑर्बिट में, मान लो मून अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, और मून अगर आगे चल ना पाए, अटक जाए, तो तुम तो भैया मून को भी चला दोगे, मून को भी उसके ऑर्बिट से बाहर निकाल दोगे, तुम तो इतने ब्रेव लोग हो, इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर। अब गोंजालो भी थोड़ी सी टांग खींच रहा है एंटोनियो सेबेस्टियन की, उनकी ही लैंग्वेज में उनको जवाब दे रहा है। फिर क्या होता है आप देखते हैं, एंड एकदम से एरियल आ जाता है, वही जो मैजिकल स्पिरिट है प्रॉस्पेरो की, प्रॉस्पेरो ने भेजा था, तो फिर एक म्यूजिक चलाता है, अब वो म्यूजिक ऐसा था जादुई म्यूजिक था कि सब सो जाते हैं, सेबेस्टियन वो कह रहा है सो जाते हैं सारे, सिर्फ कौन कौन जागता है, सेबेस्टियन और एंटोनियो को छोड़ के सब सो जाते हैं। ठीक है, फिर ये वो यवी वुड गो एंड बॉटल ने नॉट बी एंग्री, वो कह रहा अच्छा अच्छा ठीक है भैया, गोंजालो कहता तब सब दुखी मत हो, एंग्री मत हो, क्यों गुस्सा तक कर रहे हो, गोंजालो कह रहा नो आई वारंट यू आई विल नॉट एडवेंचर माय डिस्टेंस वीकली विल यू लाफ, वो कह रहा हाँ ठीक है मैं भैया तुम्हारी बात का इतना बुरा नहीं मानना। एंटोनियो कह रहा ना गोंजालो से कि तुम इतना बुरा क्यों मान रहे हो हमारी बातों का, हम भी तो मजाक कर रहे हैं तुम्हारे साथ। गोंजालो कह रहा नहीं भैया मैं भी तुम्हारी बात का बुरा नहीं मान रहा, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है और ना ही मैं इतना वीक टेम्परामेंट का इंसान हूँ कि तुम्हारी बातों पर बुरा मान जाऊंगा। ठीक है, तो मैं भी हंस रहा हूँ, तुम भी हंस रहे हो, ठीक है। एंटोनियो कहता है अच्छा गो स्लीप एंड हियर अस, अब वो लेकिन साथ साथ गोंजालो बोल रहा है भैया नींद आ रही है, नींद आ रही है। एक्चुअल में नींद क्यों आ रही थी, क्योंकि एरियल जानबूझ के इनको सबको सुला देता है, सिर्फ एंटोनियो सेबेस्टियन जागेंगे बाकी सब सो जाएंगे, तो गोंजालो सो जाता है। ठीक है, सब सो जाते हैं, सिर्फ कौन कौन जागता है, सेबेस्टियन और एंटोनियो, अलोंजो भी अभी जागा हुआ है, लेकिन अभी अभी हम देखेंगे अलोंजो भी सो जाएगा। अलोंजो व्हाट्स व्हाट्स सो स्लीप आई विश माय इन कुड डेफिनेटली शट माय ऑफ फ्रेंड, वो कह रहा है ये जो मुझे भी पता नहीं नींद सी क्यों आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सो जाऊं, ताकि ये मेरे जो दिमाग में इतनी टेंशन चल रही है अपने लड़के की, ये थॉट्स मेरे खत्म हो जाए। देखो आप भी चाहते हो, जब आपके दिमाग में बहुत टेंशन हो जाती है ना, आप भी चाहते हो मैं सो जाऊं, किसी तरह मेरा दिमाग बंद हो जाए चलना, जब इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। सेबेस्टियन कहता है हाँ हाँ भैया सर आप सो जाओ, आपका मन आपको नींद आ रही है ना भाई, तुम सो जाओ, तुम सो जाओगे ना तो तुम्हारे लिए बड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, टेंशन तुम्हारी खत्म हो जाएगी। एंटोनियो कहता है वी टू माई लॉर्ड विल गार्ड योर पर्सन वाइल यू टेक रेस्ट एंड वॉच योर सेफ्टी, अब ये एंटोनियो कह रहा है कि हाँ, एंटोनियो क्या कहता है उसको बोलता है अलोंजो को कि सेबेस्टियन और मैं
हम लोग जागे हुए हैं, अलोंजो तुम भी सो जाओ। अलोंजो कहता है ठीक है ठीक है, मैं भी सो रहा हूँ, मैं नींद आ रही है। तो अलोंजो भी सो जाता है। अब हम देखेंगे कि सब सो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ सेबेस्टियन और एंटोनियो जागे हुए हैं। अब सेबेस्टियन और एंटोनियो जागे हुए हैं, दोनों ही नेगेटिव करेक्टर्स हैं, ठीक है। अब आगे हम पार्ट में देखेंगे, पार्ट टू में, कि अब ये जब दोनों जागे हुए हैं, बाकी सब सो गए हैं, तो ये क्या करतूते करते हैं। तो इसी के साथ गाइज ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है पार्ट वन। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली यार इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, ताकि हर स्टूडेंट को अच्छे से इजी इंफॉर्मेशन में समझ आ सके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।